सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड खुशियां जो है वो फिर से आ गई हैं बिकॉज मौसम इज फाइनली गुड एंड हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। हम एक पास की जगह आए हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा है। और आज हम आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं जो सब लोग हमसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। दीपक के इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, हमारे कमेंट सेक्शन में ये एक क्वेश्चन जो होता है वो बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होता है। तो हमने सोचा आज बैठे बैठे हम आप लोगों को एज ए फ्रेंड, एज ए आपकी फैमिली, ऐसी चीज़ें बताएं जो आप लोगों को सुनना है। तो दीपक क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और बहुत इंफॉर्मेटिव भी है सभी के लिए जो लोग यहाँ पे जर्मनी आना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने भी पूछा है। तो इट्स अबाउट कि आप जर्मनी में जॉब सर्च वीज़ा कैसे ले सकते हैं। ओके मतलब पहला क्वेश्चन ये जो मतलब मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ दीपक, कि आप इंडिया से जर्मनी में जॉब कैसे पा सकते हो, है ना? ये एक क्वेश्चन होता है ऑब्वियसली यार। जब हम भी इंडिया में थे तो हम भी बहुत सारी कंट्री के लिए जो ट्राई कर रहे थे, तो लोगों का ये क्वेश्चन होता है यार कि इंडिया में बैठ के आप जॉब कैसे पा सकते हो जर्मनी में, और जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो लोग रहना चाहते हैं, है ना? तो इसी का आंसर हम आपको देंगे। हम मतलब दीपक और मैं ये बताना चाहते हैं हम आपको क्या बेस्ट तरीका है आप सब लोगों के लिए जो आप कर सकते हो। तो हाँ दीपक कंटिन्यू। तो जो सबसे बेस्ट तरीका जो अभी तक यहाँ पर इतने टाइम रहने के बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ वो है जॉब सीकिंग वीज़ा। तो जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो आपको जॉब सीकिंग वीज़ा देती है अराउंड 6 मंथ्स के लिए। मतलब कि आपको 6 महीने का वीज़ा मिलता है जर्मनी की तरफ से कि आप यहाँ पर आइए, 6 महीने यहाँ पर रहिए, यहाँ पर जॉब सर्च कीजिए, और अगर आपको उन 6 महीने में जॉब मिल जाती है तो आप यहीं पर उसको आपको एक वर्क परमिट मिल जाएगा और आप यहाँ पर रहना शुरू कर दीजिए, जॉब करना शुरू कर दीजिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने US में मतलब शायद ऐसा वीज़ा नहीं होता है, आई थिंक सो। तो जो लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ आ सकते हो। मतलब आपको ये कंट्री अलाउ कर रही है कि आप यहाँ आ जाओ लीगली, 6 महीने आप यहाँ पर रहो और जॉब सर्च करो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली लोगों के लिए। पर इसकी प्रोसेस और प्रोसेस भी बहुत सिंपल होती है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पहले से तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो सर भी जिनमें से मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं? तो जैसे दीपक ने बताया जर्मनी उनमें से एक कंट्री में से एक है, ऐसी और भी बहुत सारी होंगी, वी डोंट नो, बट जर्मनी ऐसी जगह जहाँ हमें ये जो पर्टिकुलर जॉब सर्च वीज़ा जो है उसका वो बहुत अच्छा लगा प्रोसेस, कि यार ऐसा भी कुछ होता है जिसमें अगर कोई लोग इंडिया से यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इजी है। तो क्या पूछ रहे थे दीपक, सॉरी यार मैं ये बोल रहा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोगों को, फॉर एग्जांपल आप जैसे जर्मनी आते हैं विजिटर वीज़ा पे या किसी भी कंट्री में, तो आप वहाँ पे जॉब सर्च नहीं कर सकते, इट्स इलीगल। लेकिन स्पेसिफिकली इन्होंने एक वीज़ा डिज़ाइन किया है जो 6 मंथ्स के लिए होता है उन लोगों के लिए जो यहाँ आकर जॉब सर्च करना चाहते हैं। ओके उसके लिए एक चेकलिस्ट होती है, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं। तो उनमें से जो मेज़र चीज़ें हैं जो मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, ये उन लोगों के लिए वीज़ा बहुत अच्छा है जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो यहाँ आएंगे और 6 महीने में जॉब ढूंढ लेंगे। ओके लेकिन आप इमोशनली ऐसा डिसीज़न मत लेना, आप प्रैक्टिकली पूरी रिसर्च करना कि आपकी जॉब्स यहाँ पर कितनी है, जॉब सर्च करना ऑनलाइन, कितनी जॉब्स हैं आपको, कितना आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है उनसे, और बेसिकली आपको कितना कॉन्फिडेंस है अपने स्किल्स पर कि ये जॉब्स आप ले सकते हैं। ओके जैसे अगर मैं सोचती इंडिया में बैठ के कि यार मेरे को जॉब चाहिए जर्मनी में, और मुझे ऐसा कुछ पता लगता किसी के वीडियोस देख के या कहीं से भी, तो मैं सबसे पहले ये देखती कि मेरी डोमेन की, मेरी प्रोफाइल की जॉब्स कितनी है। लिंक्डइन में देखती, जिंक पे देखती, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जॉब सर्च कैसे करते हैं यहाँ पर, मैं देखती और मुझे जब अच्छे से एनालिसिस कर लेती कि हाँ यार जॉब्स हैं यहाँ पर, प्लेंटी ऑफ जॉब्स हैं, कि अगर चलो 1000 में से मुझे 2 का भी कॉल आता है या 5 का भी कॉल आता है तो देयर आर चांसेस। लेकिन अगर मैं सर्च करती और ऐसा रिजल्ट आता कि यार नहीं जॉब्स हैं ही नहीं मेरे डोमेन में, तो शायद मैं ये डिसीज़न नहीं लेती जॉब सर्च वीज़ा का। तो मतलब हम लोगों का बोलने का यही मतलब है कि डिसीज़न बेस्ड ऑन आपकी प्रोफाइल्स जो है वो यहाँ पर डिमांडिंग है या नहीं, डिमांडिंग जॉब्स कौन सी होती हैं उसके बारे में भी हमने बहुत बार आप लोगों को बताया है, मैंने कुछ अलग
अलग से वीडियोस बनाए हैं उसमें उसमें बताया है। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग जो आपको अभी से करना चाहिए अगर आप चाह रहे हो कि आपको यहाँ पर जॉब मिल जाए इंडिया से बैठे बैठे। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपना प्रोफाइल एनालिसिस करो कि जर्मनी में उसकी जॉब्स हैं या नहीं। लिंक्डइन, ज़िंक, monster.com, ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, प्लस कंपनी की खुद की वेबसाइट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो जिनकी जॉब्स यहाँ पर भी होती हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड होती हैं, उन सब की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके डोमेन की जॉब्स हैं या नहीं। राइट। और जो मैं टिप्स, अगर आप बोलो कि कुछ टिप्स अगर मेरे को अपने पर्सनली शेयर करनी हो या अगर मैं मान के चलो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो जो मैं उसको बताऊँगा, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें करनी है। फर्स्ट थिंग, आप एरिया शॉर्टलिस्ट करो जर्मनी के अंदर। ओके, जर्मनी भी काफ़ी बड़ी कंट्री है तो उसमें आपको पहले एरिया देखना पड़ेगा कि किस एरिया में आपकी जॉब्स हैं। ओके, दीपक मुझे एक बात बताओ, क्या एरिया डिपेंड करता है आपको जर्मनी में जॉब मिलना या ना मिलने का? देखो ऐसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन जितना हमने एक्सपीरियंस किया है मैक्सिमम आपको कॉल्स उसी एरिया से आते हैं जिस एरिया में आप रह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टुटगार्ट में आ गए और स्टुटगार्ट आके आप 6 मंथ का वीज़ा लेके स्टुटगार्ट में रहने लगे, जॉब सर्च करने लगे और आपकी जो प्रोफाइल है उसकी जॉब्स ज़्यादातर बर्लिन में है, लेकिन आप समहाउ बिना इन्फॉर्मेशन के आ गए और यहाँ रह रहे हो तो आपके जॉब पाने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से वो एरिया स्टडी करो जिस सिटी में आपकी सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। ओके, दूसरी चीज़, ऐसा मत करो कि जॉब सीकिंग वीज़ा ले लिया, यहाँ आ गए और फिर स्टडी कर रहे हैं कि कैसे जॉब सर्च करना है, क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या आपको स्किल्स ऐड करने हैं, ये मत करो। आप पहले से ही प्लान करो, आप अपने स्किल सेट को बढ़ाओ जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है मार्केट में। लैंग्वेज सीख लो, मैं हमेशा बोलता हूँ लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज सीख लो तो आपको 100% एडिशनल एडवांटेज आएगा। तीसरी चीज़, आप जो फॉर्मेट है पर्टिकुलर जॉब्स का, रेज्यूमे का, ठीक है, आपका कवर लेटर्स का, ये सब आप पहले से स्टडी करके रखो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आ जाओगे और फिर आप 1-2 महीने वेस्ट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होने वाला है 6 महीने, उसमें आप 1-2 महीने चीज़ों को एक्सप्लोर करने में नहीं लगा सकते, समझ रहे हो ना आप। आपको सारी चीज़ें रेडी करके आनी है और फिर वो 6 महीने पूरा जॉब के लिए डेडिकेटेड रखना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सुरभि, तुम क्या बता रही थी? प्लस इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, यहाँ के इंटरव्यू प्रोसेस भी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो दीपक ने बताया ही है कि CV कवर लेटर का फॉर्मेट जो होता है वो जर्मनी का डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स अगर आपका इंटरनेशनल CV है तो वो इंटरनेशनल कंपनीज़ में काम करेगा, बट अगर आप किसी लोकल कंपनीज़ में ट्राई कर रहे हो तो आपको ज़रूरी है वो। प्लस अगर जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है तो आपका जर्मन में इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। प्लस इंटरव्यू का जो प्रोसीजर होता है या इंटरव्यू आप कैसे देते हो वो भी बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ आने से पहले ही आप उन सब क्राइटेरिया को जो है वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, पहले से ही फुलफ़िल हो जाओ, ताकि वो जो 6 महीना है जब आप यहाँ पर आके रहो वो आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो एफिशिएंट चीज़ों में, ना कि अनएफिशिएंट, लाइक फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो, कवर लेटर बना रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, उससे बेटर है। और एक और चीज़ मेरे को इम्पॉर्टेंट बतानी है आपको, एज ए इंडियन, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड हमारा क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं होती है। तो आप बेसिकली क्या करो, जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि रेफरेंस की बहुत वैल्यू है। अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करो कि उनकी कंपनीज़ में जॉब्स हैं तो आप ऐसे रेंडमली मत करो कि किसी को भी देखा, हाँ ये बंदा है इंडियन है या मेरे एरिया का है, और उसको आपने बस कॉल करके बोल दिया भाई मुझे रेफ़र कर दो। कहाँ कर दो, कैसे कर दो, मतलब इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है प्रैक्टिकली, सही बताऊँ। आप कंपनीज में जाओ, जॉब्स देखो, पर्टिकुलर जॉब देखो कि हाँ इस कंपनी में ये जॉब है जो मेरे लिए सुटेबल है, तब उस बंदे को अप्रोच करो कि यार मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे रेफ़र कर दोगे इस जॉब के लिए, और इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ये रहा मेरा CV, ये रहा मेरा कवर लेटर और ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर तरीके से किसी को अप्रोच करोगे तो उसके लिए भी इजी होगा। आप अगर रैंडमली अपना बर्डन किसी और के ऊपर डाल दोगे तो मुझे नहीं लगता 80-90% लोग कुछ नहीं करने वाले। तो वो करो, और डेफिनेटली हर पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको सेपरेट कवर लेटर, सेपरेट अप्रोच से अप्लाई करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जॉब के स्पेसिफिकली। तो ये एक चीज़ है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पर जॉब सीकिंग वीज़ा पर कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, लीगल नहीं है। हाँ, तो उसके लिए फिर दीपक हमने क्या देखा था, क्या हमें दिखाना पड़ेगा? हाँ, तो बेसिकली यहाँ की गवर्नमेंट को आपको आपके 6 मंथ स्टे का
आपको दिखाना पड़ेगा आप कैपेबल हो, आपके पास इतना पैसा है कि आप यहाँ 6 महीने रह सकते हो। तो आपको पहले से ही अपने बैंक अकाउंट में इतना पैसा दिखाना पड़ेगा, जो अराउंड मेरे ख्याल में 5 to 7 lakhs आता है 6 मंथ्स के लिए। आपको इतना रुपए दिखाना पड़ेगा आपके अकाउंट में, यहाँ पर आपको 6 महीने का अकोमोडेशन स्टे दिखाना पड़ेगा, बुकिंग्स कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ यहाँ पर या रहने वाली हूँ इस जगह पर, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते, तो आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा कि आपका इतना पैसा खर्च होगा आराम से, और वही है फाइनेंशियली आपको स्टेबल होना पड़ेगा और सोच कर आना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, जो एलिजिबिलिटी होती है तो ये पैसा जो दिखाना होता है 5 से 6 लाख वो तो है ही है, उसके अलावा आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, लाइक या तो इंजीनियरिंग बैचलर। उसके लिए सुरभी, सॉरी बीच में टोक रहा हूँ, उसके लिए हम पूरी चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाके देख सकते हो, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करना। बट तो हमारा मोटिव इस वीडियो को बताने का यही था क्योंकि आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हो क्या जॉब मिल सकती है वहाँ से, तो हाँ उसका एक प्रोसीजर है जो हम आपसे आज शेयर कर रहे हैं। इट्स नॉट कि आप नहीं कर सकते, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि आप क्या अप्रोच है आपकी, स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइज अप्रोच है या नहीं, या आप एक्चुअली में यहाँ आना चाहते हो और जस्ट थिंकिंग कि नहीं यार हम आ जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो यस, इसका आंसर है हाँ, आप जॉब सर्चिंग वीज़ा 6 महीने का लेके यहाँ आके जॉब ढूंढ सकते हो। द बेस्ट थिंग इज दीपक, आईटी के लिए जॉब्स यहाँ पर आईटी के लिए बहुत जॉब्स हैं। हाँ, ये आईटी के लिए इन लोगों को इंडिया से ही मिल जाती हैं मैक्सिमम, मतलब ऐसा नहीं कि सभी को मिल जाती है, कईयों को मिल जाती है इंडिया में बैठे हुए भी। तो अगर आप यहाँ आते हो, मैंने वही बोला कि आप पूरी रिसर्च करके आओ, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली। अगर किसी को बाहर जर्मनी में जॉब करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये कंट्री ऐसा एक वीज़ा आपको दे रही है, आपको वो मतलब एक तरह का क्या बोला जाए उसको, चांस बेनिफिट मिल रहा है, जो राइट इट्स अ चांस, इट्स अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ आके जॉब ढूंढ सकते हो 6 महीने। तो लेकिन हाँ वही है ना कि आपको प्रिपरेशन आपकी ही होगी, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी और आप 7-8 लाख 9-10 लाख रुपए खर्च करके, हो सकता है 1 महीने में ही जॉब मिल जाए, हो सकता है 6 महीने बाद भी ना जॉब मिले और वापस जाना पड़े, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। और बेस्ट चांस ये है कि जब आप यहाँ आते हो, जब आपको इंडिया से जॉब मिलती है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ की कंपनी को आपको स्पॉन्सरशिप देनी पड़ती है, लेकिन जब आप यहाँ आके जॉब सर्च करते हो तो कंपनी को स्पॉन्सरशिप नहीं देनी पड़ती, आप लीगली यहाँ पर जॉब सर्च कर रहे हो जैसे बाकी सब कर रहे हैं जो यहाँ रहते हैं, तो आपको सीधा वर्क परमिट मिल जाता है इमीडिएटली, तो कंपनी के लिए कोई हेडेक नहीं है आपको हायर करने के लिए, ऐसी इमिग्रेशन वाली कोई हेडेक नहीं है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड जॉब सर्च वीज़ा की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 8,000-9,000 है। आप बहुत सारी जगह है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो रुपीज़ में, 7-8,000 रुपीज़ में। लिंक्स जो हैं हम प्रोसीजर की, एलिजिबिलिटी की, वो सारी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देंगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एंड चांसेस के बारे में मैं दीपक बता रहा था, तो चांसेस कितने हैं यहाँ जॉब पाने के, तो आई हैव हर्ड दैट दीपक कि बर्लिन में लोगों को घर नहीं मिलता और उससे पहले जॉब मिल जाती है। तो यार देखो वही है, डिपेंड करता है, मतलब अब ये हमारी सोच सुन के कि बहुत चांसेस हैं और सब कुछ दाव पे लगा के मत ये सोचना कि चलो बेच बाच के चले जाएं। भाई आपको कैलकुलेट करना है, आपकी लाइफ की डिसीज़न है, अपने हिसाब से लेना। कईयों को पहले महीने में जॉब मिल जाती है, कईयों को 6 महीने बाद भी नहीं मिलती जैसे मैंने बताया है। तो अगेन डिपेंड करता रिसर्च, है रिसर्च एनालिसिस, आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। एंड या हम लोगों को यही सब चीज़ें शेयर करनी थी, हमसे रिसेंटली बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, जहां हमको लोग ये भी बता रहे हैं कि आपके वीडियोस ने हेल्प किया एंड उन्हें डायरेक्टली इंडिया से जॉब मिल गई। तो देयर आर सम केसेस जिन्हें इंडिया से डायरेक्टली यहाँ पर जॉब मिल गई, तो ऐसे भी केसेस हैं, तो जिन्हें सुन के अच्छा लगता है ओके हम लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देने की शुरुआत कर रहे हैं और उससे कुछ लोगों की ज़िंदगी जो है वो बदल रही है। होपफुली इस वीडियो से भी कुछ लोगों की ज़िंदगी बदले या वो डिसाइड कर सकें कि उन्हें बाहर मतलब जर्मनी में आना है या नहीं आना। बस यही मोटिव लेके हम लोग कुछ बात कर रहे थे एंड वी थॉट कि हम ये वीडियो बनाएं, क्यों ना आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। हाँ, और बहुत अच्छा मौसम है, नज़ारे देखो आप तो कहाँ बैठे हुए हैं। तो गाइज इसी के साथ हम जाते हैं, आप
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके दोस्त जो बाहर जाना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कैसे जाएं या क्या सही तरीका है, उनसे ज़रूर शेयर करना। शायद आपका एक शेयर जो है वो उन लोगों की लाइफ बदल दे। एंड बाकी तो हम लोग अपनी जर्मनी लाइफस्टाइल और इन्फॉर्मेटिव और बाकी सारे वीडियोज़ बनाते ही रहते हैं आप लोगों के लिए। एंड हाँ, फिर क्या दीपक, तुम कुछ बोलो। बाय बाय, टेक केयर और खुश रहो और दिमाग से काम लेना। एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।